डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए। सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास 10th में सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अभी 10th क्लास के लिए साइंस में जैव प्रक्रम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इस जैव प्रक्रम के चैप्टर में हम लोगों ने पिछले दिन मानव के उत्सर्जन में के बारे में पढ़ रहे थे कि आखिर मानव में उत्सर्जन जो होता है वो किस रूप में उत्सर्जन जो है कैसे होता है, कैसे कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर हम लोग आज देखेंगे कुछ पॉइंट्स जिसको हम लोग नोट में करके लिखेंगे। ठीक है, नोट में करके लिखा जाए, NOTE नोट में लिखा जाए। फर्स्ट पॉइंट, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो मूत्र बनता है वो किस में बनता है, ब्रिक में बनता है। ठीक है, ब्रिक में बनता है। अब वो ब्रिक में मूत्र का जो निर्माण होता है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो ब्रिक हैं उसमें टोटली प्रत्येक दिन 180 लीटर मूत्र को निस्यंदन करता है रोज। लेकिन दोस्तों, हम लोग जो है मतलब मूत्र के रूप में डेली 1 से 2 लीटर को हम लोग मूत्र को विसर्जन करते हैं, मतलब अपने शरीर से बाहर करते हैं। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि हमारा जो ब्रिक है वो एक दिन में, यानी कि प्रत्येक दिन 180 लीटर खून जो है निस्यंदन करता है। क्लियर। अब इस 180 लीटर खून के निस्यंदन में हम जो प्रत्येक दिन बाहर करते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, वो कितना दिन कितना लीटर, तो 1 से 2 लीटर। चलिए इसी बात को लिखा जाए फर्स्ट पॉइंट को नोट में। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्येक दिन एक सौ अस्सी लीटर 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन ब्रिक में होता है जबकि जबकि एक दिन में मूत्र का आयतन 1 या 2 लीटर ही निस्यंद हो पाता है 1 या 2 लीटर ही निस्यंद हो पाता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा जो ब्रिक है वो प्रत्येक दिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन ब्रिक में होता है, यानी कि हर एक दिन 180 लीटर। अब क्या होता है ब्रिक में, तो ब्रिक का मतलब होता है बिल्कुल ही उसको निस्यंद कर देना, यानी कि अवशोषण करना। जैसे मान लिया ये ब्रिक का रचना है, अब इसमें इतना छोटे 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 जाल हैं कि उससे एक जाल से गुजरा, वही जो हम लोग पानी पीते हैं, जो खाना भोजन करते हैं, उससे यूरिक अम्ल को अवशोषित करता है, यूरिक अम्ल को इकट्ठा करता है। इसीलिए हमारा मूत्र में, पेशाब में यूरिक अम्ल की मात्रा होती है। होता क्या है कि जब भी हम लोग ज़्यादातर पानी पीते हैं तो आप देखते होंगे कि ज़्यादा मूत्र बनता है, यानी कि मूत्र का जो निर्माण होता है वो सबसे ज़्यादा जल से बनता है। यानी कि आप ज़्यादा जल पियेंगे, जब ज़्यादा पानी पियेंगे तो ज़्यादा मूत्र का निर्माण होगा। ठीक है, तो ब्रिक में बहुत ऐसा छोटा 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 जाल का परत होता है, जो आप पानी पिए तो एक जाल से गुजरा, दूसरी जाल से, तीसरी जाल से, ऐसा करके टोटल 180 लीटर के बराबर जो मशीन, जो
वाटर प्यूरिफायर 180 लीटर पानी शुद्ध करेगा, उतना क्षमता ये मेरा ब्रिक काम करता है। तो वही बात लिखे हैं, 180 लीटर जैसा वो निस्यंद करता है, लेकिन दोस्तों एक दिन में स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1 या 2 लीटर मूत्र विसर्जन करना चाहिए। इसका मतलब क्या कि उसको उतना पानी भी पीना चाहिए, मतलब कि 1 से 2 लीटर या 3 लीटर दिन भर में, यानी कि 24 घंटे में कम से कम 2.5 लीटर से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए। चलिए उसके बाद हम दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखने वाले हैं, अंग दान के बारे में। तो आप समझ सकते होंगे कि अंग दान क्या है। तो अंग दान में दोस्तों कोई भी अंग किसी रोगी के शरीर को दिया जाता है। जैसे आप आँख को दे सकते हैं, ठीक है, आप हाथ की उंगली को अंग दान नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं हमारे शरीर के जिसको हम लोग अंग दान के रूप में दे सकते हैं। जैसे आँख हो गया, ब्रिक भी दे सकते हैं, लीवर भी दे सकते हैं, यकृत भी दे सकते हैं, ठीक है, तो कुल मिलाकर फेफड़ा भी दे सकते हैं। तो वही हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग अंग दान जो करते हैं, अंग दान का मतलब किसी भी रोगी को दूसरे शरीर से उस अंग को निकाल कर उसमें रोगी में लगाया जाता है और फिर पुनः रोगी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। आपको पता होना चाहिए हृदय का भी, हार्ट का भी हम लोग एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट बोलता है, ठीक है, यानी कि हृदय को बदल दिया जाता है दूसरे व्यक्ति से रोगी के शरीर में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अंग दान दिया जाता है वो अंग दान के लिए कोई भी उम्र सीमा निर्णय नहीं है। जैसे मान लिया कि कोई 15 वर्ष का लड़का है और कोई 30 वर्ष का आदमी है, इससे ये अदला बदली कर सकता है। अदला बदली का मतलब ये नहीं है कि देगा लेगा, जबकि मान लिया कि 30 वर्ष का रोगी है और 15 वर्ष का कोई मनुष्य है, तो इससे हम लोग इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंग दान के लिए जो उम्र सीमा निर्णय नहीं होता है, अंग दान जो है किसी भी उम्र में किया जा सकता है, ठीक है, अंग दान किसी भी उम्र में किया जा सकता है। दूसरा कि अंग दान के लिए किसी भी लिंग का जरूरी नहीं है। जैसे मान लिया कि कोई पुरुष व्यक्ति है, सिर्फ पुरुष को ही अंग दान करेगा ऐसा नहीं है, कोई भी पुरुष जो है स्त्री को अंग दान कर सकता। इसका मतलब दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। पहला ये कि अंग दान के दौरान कोई भी उम्र सीमा निर्णय नहीं है, तय नहीं है कि भाई तेरा 18 साल का लड़का 18 साल के देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूसरा, कोई भी लिंग का निर्धारण नहीं है। अगर मान लिया कोई भी लड़का या कोई भी आदमी किसी औरत या किसी भी लड़की को हार्ट या फिर किडनी चाहे लीवर चाहे कुछ भी अंग जो है दे सकता है, तो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा जाए, अंग दान के लिए उम्र तथा लिंग, अंग दान के लिए उम्र तथा लिंग जरूरी नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है। चलिए तीसरा सबसे पॉइंट, अब ये जो अंग दान होता है दोस्तों, अंग दान किसके द्वारा होगा, ऐसा थोड़े ना है कि आराम से निकाल दिए और लगा दिए, ऐसा तो नहीं है। अंग दान के लिए दोस्तों किसी दूसरे के रोगी के शरीर में जो लगाया जाता है कोई भी अंग, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन के माध्यम लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है, ऑपरेशन के माध्यम, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो अंग दान की प्रक्रिया अपनाई जाती है, इस प्रक्रिया में रोगी का और जो अंग दाता है, दाता का मतलब देने वाला, और ग्रहण करने वाला को ग्राही कहते हैं,
तो जो अंग दे रहा है उसका भी ऑपरेशन, ऑपरेशन करके उस अंग को निकाला जाता है, और उस रोगी को भी ऑपरेशन करके दूसरे वाला अंग निकाल कर और फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है। पक्का? चलिए, तो हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन के दौरान ही अंगदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसको हिंदी में बोला जाता है शल्य चिकित्सा। ऑपरेशन का मतलब क्या है? ऑपरेशन का हिंदी हुआ शल्य चिकित्सा। हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं, ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको शल्य चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, तो लिखा जाए तीसरा पॉइंट, अंगदान के किसी व्यक्ति के शरीर से अंगदान में किसी व्यक्ति के शरीर से शल्य चिकित्सा द्वारा, यानी कि ऑपरेशन द्वारा, शल्य चिकित्सा द्वारा अंग निकालकर रोगी के शरीर में प्रत्यारोपित का मतलब होता है फिट करना या लगा देना। जैसे मान लिया कि ये कैप है और ये कैप को हम लोग दूसरे में से निकाल कर और इसमें लगा दिए, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि हम इस कैप को प्रत्यारोपित कर दिए। प्रत्यारोपित का मतलब फिट कर देना, बैठा देना, लगा देना। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखेंगे दोस्तों, कि आखिर अंग दान में कौन कौन सा अंग को दान कर सकते हैं, किसी रोगी को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अंगुली काट के दे दीजिए, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, अंग दान में कुछ अंग है जिसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखा जाए सामान्यतः प्रतिरोपण में कॉर्निया, ये कॉर्निया क्या है भाई? तो कॉर्निया जो है आंख का एक भाग है जिसको कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, इसलिए आप सुने होंगे कि नेत्र का भी, आंख भी हम किसी को दे सकते हैं, तो आंख का एक भाग होता है कॉर्निया। तो याद रखिएगा कि जो भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि सामान्यतः प्रतिरोपण में, प्रतिरोपण का मतलब कौन सा ऐसा भाग है जिसको हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, तो कॉर्निया कॉमा गुर्दे, एक शरीर का भाग है गुर्दा। ठीक है, फिर लिखेंगे दिल यानी कि हार्ट कॉमा, फिर यकृत मतलब लीवर। ठीक है, अग्न्याशय, हम लोग पाचन तंत्र में देख रहे थे ना, अग्न्याशय फेफड़े कॉमा आंत और अस्थि मज्जा। किया जाता है अस्थि मज्जा किया जाता है। देख लिए, अब अगर कोई पूछेगा कि सामान्य तौर पे हमारा जो अंग है उस अंग का कौन कौन सा, जो अंग है अंग का कौन कौन सा भाग हम किसी को दे सकते हैं, तो कॉर्निया दिल गुर्द यकृत अग्न्याशय फेफड़े आंत और अस्थि मज्जा ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, दिमाग में पाया जाता है, इसको भी हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये था कुछ हम लोगों को नोट में पॉइंट जिसको हम लोगों को जानना चाहिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, टॉपिक बनाएंगे पादपों में उत्सर्जन। जी हाँ, अभी हम लोग देख रहे थे मानव में उत्सर्जन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पादपों में उत्सर्जन। ठीक है, पादपों में उत्सर्जन
सबसे पहले लिखा जाए, फर्स्ट एरो देखकर, पादपों में ऑक्सीजन को अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है, अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है जो उत्सर्जन में पादपों के शरीर से, जो उत्सर्जन में पादपों के शरीर से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। चलिए अभी हम लोग उत्सर्जन का मतलब क्या होता है दोस्तों, उत्सर्जन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में वह हानिकारक पदार्थ जो अगर शरीर के अंदर रहेगा तो शरीर को हानि पहुंचाएगा, इसलिए वह हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको हम पहले ही बताए थे कि हम क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी होगा। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सिंपल है दोस्तों, हमारे लिए ठीक उसी प्रकार पौधे भी क्या करते हैं, हम जानते हैं कि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वही ऑक्सीजन को हम लोग यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं। तो आप समझें कि जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन निकालते हैं, ऑक्सीजन को बाहर करते हैं, इसका मतलब आप ये दोस्त समझिए कि इसलिए बाहर कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन पेड़ पौधों के अंदर रहेगा तो उन पौधों को हानिकारक पहुंचेगी, इसलिए उस हानिकारक से बचने के लिए पौधे क्या करते हैं, अपने शरीर से ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो वो भी एक उत्सर्जन कहलाया ना दोस्त, क्योंकि उत्सर्जन का मतलब समझे हैं कि शरीर के अंदर कोई खराब पदार्थ रहे तो उसको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, जिसको हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आपको फर्स्ट एरो में से समझना चाहिए कि पादपों में जो ऑक्सीजन है वो भी एक अपशिष्ट पदार्थ है, खराब पदार्थ है जो शरीर से बाहर निकलता है। नेक्स्ट एरो दिया जाए, लिखेंगे ऑक्सीजन के अतिरिक्त पौधों में जल का वाष्पोत्सर्जन होता है, जल का वाष्पोत्सर्जन होता है जो उत्सर्जन के अंतर्गत आता है, जो उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। चलिए हम आपको ये भी सिखाए हैं कि पौधों में एक जाइलम ऊतक पाए जाते हैं जो जल को अवशोषित करके पूरे पौधों के ऊंच भाग तक पहुंचाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो पेड़ के पौधों के पत्तियां तक जल जाती है तो सूर्य की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में पत्तियों से जल का वाष्पोत्सर्जन होने लगता है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब वाष्प बनकर जल से उड़ने लगता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम बोलेंगे कि जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है पेड़ पौधों की पत्तियों से वो भी एक तरह का क्या है, उत्सर्जन है, क्योंकि इस माध्यम में क्या करते हैं पेड़ पौधे, जो शरीर के अंदर ज़्यादा जल एकत्रित रहता है उसको वाष्पोत्सर्जन के दौरान बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो भी किसके अंतर्गत आता है, उत्सर्जन के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पादपों में जो उत्सर्जन है ऑक्सीजन के रूप में भी होता है, और दूसरी बात कि जो जल जाइलम द्वारा जल सोख कर और जल सोख लिया जाता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पत्तियों द्वारा, वो भी एक तरह का क्या है, उत्सर्जन ही है। चलिए एक और बात, सेकेंड पॉइंट तो हम लोग लिख लिए, थर्ड पॉइंट लिखने वाले हैं, पहले समझ जाइए। आप देखते होंगे कि पेड़ पौधों की पत्तियां जो है गिरती रहती हैं, पीला हो जाती हैं और फिर
गिर जाती है। आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधों की पत्तियां जब गिरती हैं दोस्तों, तो उसमें भी एक अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब यह एक खराब पदार्थ होता है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो शरीर क्या करता है, उसको उसको कनेक्शन बंद कर देता है, उसमें जल को पहुंचाना बंद कर देता है, उसमें भोजन पहुंचाना बंद कर देता है। इसी के वजह से वो पत्तियां क्या हो जाती है, धीरे धीरे मर जाती है, पिल्ला पड़ जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ शरीर के में जाइलम ऊतक और पौधों के लिए बात कर रहे हैं, पौधों के शरीर में जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं। जाइलम करता है जल को ढोने का काम, फ्लोएम काम करता है फल को ढोने का, यानी कि भोजन को ढोने का काम। ठीक है, अब जाइलम जो है जल ढोता है, फ्लोएम जो है फल ढोता है। अगर पूरे शरीर में जिस अंग में जल और भोजन नहीं पहुंचे, वहां ऑटोमेटिक है उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो वह है पीली पत्तियां। वो पीली पत्तियां क्या आती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां ना तो जल पहुंचता है नहीं भोजन पहुंचता है। क्यों, क्योंकि पौधे ये समझ जाते हैं कि ये हमारे लिए अब हानिकारक हो गया, तो उस हानिकारक पदार्थ को भी उस शरीर से बाहर करते। पौधों से गिरने वाली पत्तियां भी क्या होती है, पौधों में के उत्सर्जन में ही आया जाते हैं। ठीक है, तो लिखा जाए थर्ड पॉइंट, पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं, अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं, अतः ये भी उत्सर्जन के अंतर्गत आते हैं, अतः ये भी उत्सर्जन के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बताएं आपको कि उत्सर्जन में पेड़ की पत्तियों भी शामिल होती है जो गिरती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।